आज एक बच्चा आपके पास क्लास में आता है, कहता है मैंने मैम होमवर्क नहीं किया कल। क्यों नहीं किया होमवर्क? मैम कल मन नहीं था, मैं मूवी देखने चला गया था। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, कल अगेन वो बच्चा आता है, मैम मैंने होमवर्क नहीं किया। क्यों होमवर्क नहीं किया? मैम मेरी तबीयत कल बहुत खराब थी। अच्छा, ओ कोई बात नहीं छूत। आई लर्न फ्रॉम यू। सच बोलूंगी तो डांट पड़ती है, झूठ बोलती हो तो लव एंड सिंपथी मिलती है। कौन फ्री फंड की डांट खाएगा बिना बात के? हाउ मेनी ऑफ अस हैव द करेज के एक बच्चा आकर सच बोलता है, अप्रिशिएट, इवन इफ इट मीन्स ही हैजन्ट डन द होमवर्क, इवन इफ इट मीन्स के वो मूवी चला गया, बट ही हैज जस्ट स्पोकन द ट्रूथ। उसने अभी अभी सच बोला है। ये वो सीन है जिसमें हम उसके बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि सच बोलोगे तो अप्रिसिएशन मिलेगी या सच बोलोगे तो डांट मिलेगी। इट्स दैट वन सीन। फिर उसके बाद हम बोलते हैं आजकल के बच्चे झूठ भी बोलने लग गए हैं। एंड देन वी विल से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी एंड वॉट नॉट। हाउ, वेयर विल दे लर्न? वेयर विल दे लर्न? एक बच्चे ने हमारा कहना नहीं माना, बात नहीं मानी, हम मुंह सुजा के बैठ जाते हैं घर में, बात ही नहीं करते उस बच्चे से। उसके बाद वो पीछे पीछे भागता रहेगा, आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी। क्या सीखा उसने? क्या सीखा उसने? जब कोई गलती करे, जस्ट डोंट टॉक टू देम, जस्ट बी रूड टू देम। दिस इज द वे वी लर्न। अभी इस टाइम वो बच्चा सीख रहा है कि जब कोई गलती करता है, दिस इज द वे टू टीच देम हाउ टू चेंज। अब कल हम कुछ करेंगे जो उसको सही नहीं लगता, सो ही विल बी रूड टू अस, ही लर्न। यू वॉन्ट टू चेंज देम? You know where now you have to bring about the change. कहाँ लेकर आना है? How many of us have the courage कि आज हम पूरा दिन स्कूल में बिता दें बिना एक बच्चे को डांटे? चला सकते हैं स्कूल बिना बच्चे को डांटे? अगर हम बिना डांटे बच्चों को चला सकते हैं पूरा दिन, तो 4 दिन के अंदर आपको बिना गुस्सा करने वाले बच्चे मिलेंगे। सिंपल, श्योर शॉट, 110% गारंटी। क्योंकि जो भोजन आप उनको खिला रहे हो वो उसी का प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन आप ऑपोजिट एक्सपेक्ट करो कि हम तो डांटेंगे इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन वो बहुत स्वीट होने चाहिए, then this is also 110% not possible. It's just not possible. So let us stop putting the finger there and let us realize ये हमारी creation है। ये अभी अभी जो हमने शुरू में बच्चों के बारे में इतने प्यार से टाइटल्स दिए थे ना, ये हमारी सोच है उनके बारे में। एंड दिस थिंकिंग इज इन द एयर नाउ डेज। जिससे भी बात करो, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, एवरी वन, आजकल के बच्चे ऐसे 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 ऐसे। एवरी टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट देम लाइक दिस, कौन सी एनर्जी किसको भेज रहे हैं? उनको। एंड फिर एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आज हमें कोई एक को ले ले और सब लोग ये क्रिएट करना शुरू कर दे, ये तो ऐसे 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 ऐसे, हम कैसे हो जाएंगे? अपने ही बच्चों को हम सारा दिन कौन सी एनर्जी देते हैं इज अ क्वेश्चन मार्क। एक चेंज ले आओ अपने स्कूल के अंदर,
only positive thinking, only positive talk, because they are the most wonderful people we have around us. The easiest to mold and the easiest to change. आप इसको करके देख लो. आप पांच बड़ों को लो, पांच बच्चों को लो और किसी भी एक संस्कार को चेंज करने की कोशिश करो. कौन जल्दी चेंज होगा? Everyone knows what they're doing. लेकिन जो हम कर रहे हैं उसकी जब परछाई हम देख रहे हैं ना, हमें वो अच्छी नहीं लग रही और फिर हम कह रहे हैं इसको चेंज करो. शीशे में खड़े होकर अपनी परछाई को चेंज नहीं किया जा सकता. करते रहो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन यहाँ एक बार ऐसे करो परछाई ठीक हो जाएगी. Just once like this and your reflection will change. But that will only happen if I am aware कि वो reflection जो बनी है वो मेरी creation है. And I have a choice. लेकिन उसके लिए मेहनत मुझे उन पर नहीं करनी है. Just stop thinking about what you have to do with them and what you have to do to them and start thinking about what you have to do with yourself. थोड़े दिन के लिए, सिर्फ थोड़े दिन के लिए फोकस वहां से हटाकर फोकस अपने ऊपर ले आओ. आजकल के बच्चे बहुत अग्रेसिव हैं, आजकल के हम अग्रेसिव नहीं हैं? हैं या नहीं है? आजकल के बच्चे रिबेलियस हैं, आजकल के हम रिबेलियस नहीं हैं? आजकल के बच्चे पीयर प्रेशर के विक्टिम्स हैं, आजकल के हम पीयर प्रेशर के विक्टिम्स नहीं हैं? है नहीं है? हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक कि ये जो मैं पहनूंगी, ये जो मैं खाऊंगी, ये जो मैं करूंगी, इसको देखकर लोग क्या कहेंगे? थॉट चलती है नहीं चलती? चलती है नहीं चलती? अगर हमारी चलनी है तो उनकी नहीं चलनी चाहिए? ये सारे जो टाइटल्स अभी दिए थे ना, ये सब हमारे अंदर है. आर वी रेडी टू चेंज? वी चेंज, दे चेंज. And we don't, they don't. So don't even try. At least वो मेहनत नहीं करना. Because जितनी मेहनत करते हैं result मिलती नहीं तो और irritation होती है फिर. Don't try. Accept कि हम ऐसे हैं and then accept कि उन्होंने भी ऐसे ही होना है. लेकिन उनके अंदर हमें वो संस्कार जल्दी जल्दी अब दिखाई दे रहे हैं at a younger age. Which was not expected. But then that is also because they are surrounded by that kind of energy. आज एक एक बच्चा कैसी फैमिली से आ रहा है, कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है आजकल, डू वी नो? डू वी नो? डू वी वॉन्ट टू नो? वी विल जस्ट से ये ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए बिकॉज देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज हाउस. हु इज गोइंग टू थिंक ऑफ दैट? हमने सिर्फ व्यवहार देखा और व्यवहार के लिए हमने भी उसको क्या देना शुरू कर दिया. वो ऐसा बना ही क्यों था? क्योंकि उसको घर में यही भोजन मिल रहा था. तो हमने कहा ये बच्चा बीमार क्यों, और उसको बीमार देखकर हमने भी उसको वो ही भोजन देना शुरू कर दिया, डांट का, रिजेक्शन का, एंगर का. और फिर हम कह रहे हैं ये बच्चा चेंज नहीं होता है. फर्स्ट लेट मी अंडरस्टैंड फॉर माई सेल्फ. परिस्थितियां मेरा रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करती हैं. आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रिस्पॉन्स. एंड हर परिस्थिति में आई हैव अ चॉइस कि मुझे कैसा सोचना है. थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, यहां से सुबह निकलेंगे, ट्रैफिक होगा, होना ही है. लेकिन एक क्षण अपने ऊपर अटेंशन कि ये ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं, मैंने जब पहुंचना है अब तो तब ही पहुंचना है, लेकिन पहुंचने तक मुझे अपने माइंड को कैसा रखना है वो चॉइस मेरी है. आप अपनी बहुत सारी शक्ति को वेस्ट होने से बचा देंगे. स्कूल में पहुंचे, प्रिंसिपल ने डांटा, यस मैम आई एम सॉरी, थैंक यू, आई विल गेट इट डन, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप. क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, इतनी मेहनत करो तो भी ऐसा बोला, यही है आजकल, कुछ भी करो कर तो भी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो कुछ करने नहीं वाला. ये कमेंट्री तो हमारी चॉइस है.
दिस इज आवर चॉइस. एंड फिर वो कमेंट्री को सिर्फ अपने अंदर नहीं रखेंगे, टीचिंग प्रोफेशन सबसे क्रिटिकल प्रोफेशन है नेगेटिव थिंकिंग के लिए बिकॉज ऑफ दैट स्टाफ रूम. एटलीस्ट ऑफिसेज में बेटर है, डांट खाते चलते अपने अपने कैबिन में जाकर बैठते हैं, फिर कॉफी मशीन के पास मिलते हैं तो 5 मिनट ही मिलते हैं. लेकिन वो जो स्टाफ रूम है ना, देन वो रनिंग कमेंट्री एक रनिंग डिस्कशन बन जाती है, और फिर वो रनिंग डिस्कशन वेरी सून सबकी रनिंग कमेंट्री बन जाती है. चीज दो थॉट्स की थी, ठीक है उन्होंने बोल दिया, मैं देख लेती हूं, अगर मेरी गलती थी तो ठीक कर दूंगी, अगर मेरी गलती ठीक नहीं थी तो उनका मूड खराब था, फुल स्टॉप. लेकिन हम फुल स्टॉप लगाएं क्यों? दिस इज आवर चॉइस व्हेन एंड वेयर टू पुट द फुल स्टॉप. व्हेन एंड वेयर टू पुट द फुल स्टॉप. लेकिन हम एक घंटा उस पर डिस्कस करते रहेंगे और कहेंगे हमारी वजह से थोड़ी, उनकी वजह से. और ये हर सिचुएशन में होगा, चाहे ये छोटी सी सिचुएशन है या जीवन की बहुत बड़ी सिचुएशन है. आई हैव अ चॉइस विच थॉट टू थिंक. क्लास में गए, बच्चे शोर मचा रहे. अब बच्चे ने शोर तो मचाना ही है. नॉर्मली जब हम क्लास में जाते हैं और बच्चे शोर मचाते हैं तो हम उनको चुप कैसे कराते हैं? कैसे चुप कराते हैं? हाँ जी, एक्सप्रेशन ऑफ आईज तो तब दिखेगी इफ आई लुक एट योर आईज. नो, आई एम तो बिजी प्लेइंग एंड थ्रोइंग प्लेन्स एंड डूइंग ऑल मस्ती. हाँ, ऑक्यूपाइड है. चूज करो. हाँ जी, शाउट एट देम एंड फिर वो चौक लेके. ऑप्शंस है. इफ आई स्टार्ट द क्लास विथ शाउटिंग, एंड वो भी 20-30-40 बच्चे शोर मचा रहे हैं और उनकी आवाजों के ऊपर शोर मचाना, इट्स अ चैलेंज अगेन. वो शोर मचा रहे हैं मतलब उनका माइंड कैसा है अभी? डिस्टर्ब. फिर मैंने भी अगर वही वाला टेक्निक यूज किया तो सेशन शुरू होते ही मेरा मन भी कैसा हो गया? डिस्टर्ब्ड. फिर एक डिस्टर्ब्ड माइंड एक डिस्टर्ब्ड माइंड को पढ़ा रहा है. इनका मुख बोल रहा है क्योंकि माइंड तो डिस्टर्ब्ड है, उनके कान सुन रहे हैं क्योंकि माइंड तो डिस्टर्ब्ड है, और फिर हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है. कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि मुख बोलता है, कान सुनते हैं. मन ने बोलना था और मन ने सुनना था, वो मन तो कुछ कुछ और ही कर रहा होता है. एंड देन व्हेन आई गो बैक होम एंड आई ओपन माय बुक्स एंड आई से, अच्छा ये वाला टॉपिक क्लास में हुआ था क्या आज? बिकॉज माय माइंड वाज नॉट देयर. बिकॉज टीचर मुझे क्लास में लेकर आ जाती है द बॉडी, लेकिन वी एज अ टीचर डू नथिंग टू गेट देयर माइंड इन टू क्लास. एज लॉन्ग एज वो क्लास में बैठ गई, प्रेजेंट हो गई, टिक कर दिया, हो गया सेशन पूरा, फिनिश्ड. बिकॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर इज कि सिलेबस पूरा हो जाए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, फुल स्टॉप. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज कि तुम होमवर्क कर लो, तुम क्लास में तुम्हारे 90% आ जाए, तुम खाना ठीक से खा लो, तुम अपनी हॉबी क्लास ये क्लास वो क्लास पे चले जाओ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, फुल स्टॉप. हु ऑफ अस इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बने? इंटेलेक्चुअली तो स्ट्रांग बन ही गया वो, अभी बेस्ट ऑफ स्कूल्स, बेस्ट ऑफ सिलेबस, इंडिया का भी सिलेबस छोड़ दिया, बाहर का सिलेबस ले आए, सब कुछ तो हो गया, अभी और क्या करेंगे इसमें हम? वीव डन एवरीथिंग. एंड क्या नहीं आता है उनको? दे नो एवरीथिंग. तो वो इंटेलेक्चुअली बहुत बहुत स्ट्रांग है,
वो हमें ऐसी चीजें बता देंगे जो हमें भी नहीं आती. सो दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रांग, दे आर सोशली वेरी स्ट्रांग. आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर आपसे ज्यादा अच्छा उनको आता है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो हमारे से बहुत अच्छे हैं. दे आर इन सोशली वेरी स्ट्रांग, दे आर फिजिकली ऑल्सो वेरी हेल्दी, क्योंकि हम उनको मिनरल पानी, एसी गाड़ी, एसी स्कूल, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे रहे हैं. इमोशनली, इमोशनली वी आर, दे आर बिकमिंग वीक सिंपली बिकॉज, क्योंकि हमने उनकी ग्रोथ के इन्हीं तीन पहलुओं पर ही तो ध्यान दिया, तो वो तीनों पहलू बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं. वेर एवर अटेंशन गोज दोज थिंग्स विल डेवलप. अब उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा एज अ पेरेंट ऑल्सो, एज अ चाइल्ड, एज अ टीचर ऑल्सो, क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग आवर सेल्व्स, फुल स्टॉप. उनको कुछ नहीं करना है, उनको कुछ नहीं करना है. घर पे परिस्थितियां आएंगी, हम स्टेबिलिटी से रिस्पॉन्ड करेंगे. वो गलती करेगा, हम उसको डिसिप्लिन करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे. उसको बैठकर हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम डांट के नहीं पढ़ाएंगे. उसको हम खाना खिलाएंगे, लेकिन शोर मचाकर खाना नहीं खिलाएंगे. तो हम उसको फिजिकली और इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन साथ में इमोशनली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टेबल हैं. वो गलती करेगा, हम उसको समझेंगे. जैसे ही हमारे अंदर ये एनर्जी का स्टॉक बढ़ता जाएगा, वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट देम इजिली. इट्स वेरी इजी टू से कि आज का वातावरण बहुत चैलेंजिंग है. हैव यू रियलाइज्ड हाउ आर वी गोइंग टू प्रोटेक्ट देम इन दिस एनवायरमेंट? यू नो द हु इज इन द मोस्ट पेन? आजकल सबसे ज्यादा दर्द में कौन है? आज के बच्चे. दे आर गोइंग थ्रू एब्सोल्यूट टर्मोइल इनसाइड. ये एज तो उनकी कौन सी वाली होनी थी? वी तो होल लॉट इज अ वेरी लकी जेनरेशन. नो, इट्स अ वेरी लकी जेनरेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग. मदर वॉज ऑलवेज एट होम, ज्वाइंट फैमिली भी थी, वेरी ग्राउंडेड वैल्यू सिस्टम, ग्राउंडेड सोशल स्ट्रक्चर, सब कुछ इतना सिंपल. और फिर भी आज हम स्टेबल नहीं रह पा रहे, जबकि हमारी फाउंडेशन जीवन की इतनी स्ट्रांग है. उनकी फाउंडेशन क्या है? उनकी आज फाउंडेशन क्या है? और 20 साल में तो समाज कहां का. हम जब स्कूल में थे तो टीवी पे कितने चैनल आते थे? वो एक दूरदर्शन पे बैठते थे जी, 6 बजे ये आएगा, 8 बजे ये आएगा. ये इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया क्या था हमारे ऊपर? कुछ भी नहीं. और जो आता भी था, इट वॉज स्वीट एंड सिंपल एंड क्लीन. हमारे पास तो कंप्यूटर था ही नहीं, इंटरनेट था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं हमारे पास. सो वी वर वेरी 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 प्रोटेक्टेड. हम उन पे गुस्सा क्या कर रहे हैं? It's okay, it's there, it's fine. There's nothing wrong with the television, there's nothing wrong with computer, there's nothing wrong with internet. It's about us bacche ko kitna shaktishali banaye taaki wo in sari cheezon ke beech rehte hue usko band thodi kara denge. TV band kar do, net band kar do, ye this will not work. And why should it stop? Usme bahut sari useful cheeze bhi aati hain. Lekin uske andar wo taakat dalna कि वो क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं नहीं हूं तब वो क्या देखेगा, वो उसके अंदर कौन डालेगा? सिर्फ डंडा लेके, ये नहीं देखना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना. इट वॉन्ट हैपन. जब हम हैं वो नहीं करेगा, जब हम नहीं होंगे वो करेगा. हु मेड हिम स्ट्रॉन्ग? दिस इज इमोशनल स्ट्रेंथ. आज के समय में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वुड बी टू मेक आर चाइल्ड इमोशनली स्ट्रांग, क्योंकि वो जहां जा रहा है बाहर, तो वातावरण काफी चैलेंजिंग है. अगर बाहर इन्फेक्शन बढ़ती जाएगी तो हम इन्फेक्शन को देखकर डरते तो नहीं रहेंगे ना?
हम अपने ही तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे। आज हम उनको देख देख के गुस्सा क्या कर रहे हैं, हमें तो उनके इम्यूनिटी सिस्टम को और भी स्ट्रांग बनाना है। एक छोटा बच्चा घर पर आकर अपने पेरेंट्स को या मम्मी को हर बात बताता है, बताता है ना, बताता है, आपके आसपास घूमता रहेगा, आज ये हुआ आज ये हुआ, आज टिफिन में वो लेकर आया, मैंने उसका टिफिन खाया, उसने तो वो मम्मी को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो भी वो पीछे 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 भागता जाएगा बताते हुए। इट्स ए स्वीट, इट्स ए रिलेशनशिप। धीरे धीरे एक एज आती है वो बताना कम करने लगता है, और फिर धीरे धीरे आज तक बताना बंद ही कर देता है, उसके बाद मम्मी पीछे पीछे भागती है, बता आज क्या हुआ, कौन मिला, किससे बात हुई, किसका फोन था, यू गो आउट क्लोज द डोर, आप बाहर जाओ, मुझे अपनी प्राइवेसी दो, मेरा कमरा दो। ये क्यों हो गया होगा इतने सुंदर रिश्ते में? रिश्ता तो वही है, वो भी वही है, मैं भी वही हूं, फिर ये जो डायनामिक्स था हम दोनों के बीच, ये डायनामिक कब कैसे चेंज हो गया, एंड व्हाई डिड इट हैपन? नो, टाइम भी उतना ही है, पहले भी मदर वर्किंग थी, आज भी मदर वर्किंग है। आई वॉज नॉट लिसनिंग टू द चाइल्ड, आई वॉज इग्नोरिंग द चाइल्ड। ना, थिंक 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 थिंक, 1 मिनट, ऑल सोल्यूशंस आर सिटिंग हियर, थिंक ये कब चेंज हुआ होगा? 4, 5, 6, 7 तक, आज थोड़ी कम एज में चेंज होने लग गया, पहले 12-13 की एज में चेंज होता था डायनेमिक। आपका बच्चा आपको घर आकर बोलता है, पता है क्या, मैंने आज एक क्लास बंक कर दी। अभी आप हंस रहे हो, उस टाइम क्या करते हो? फिर आपका 14, 15, 16 साल का बच्चा आपको आके कहता है, मालूम है क्या, मैंने आज एक सीक्रेट ट्राई की। हाउ डू वी रिएक्ट, हाउ डू वी रिएक्ट, हाउ डू वी रिएक्ट? यस, दिस इज वेयर इट बिगिंस। वो आया था, जस्ट रिवाइंड, यू विल रियलाइज वो आए थे, उन्होंने अभी भी हर बात बताई थी। बहुत इजी है उनकी गलतियां निकालना, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बात बताई जो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट में फिट नहीं हुई, वी रिएक्टेड एंड वी सेड यू आर रॉन्ग, तुम गलत, तुमने ये किया, वो किया, वो किया। वो एक स्टेप पीछे हुआ, बोला इनको क्या हो गया आज? फिर वो थोड़े दिन बाद आया, फिर कोई बात बताई, हमने फिर तुम गलत, वो पीछे हो गया। फिर उसने कहा, अच्छा ये वाली बातें इनको अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसने हमें बताना बंद कर दिया। हमने सोचा उसने करना बंद कर दिया। दिस इज अ स्केरी थिंग रियली। हमने सोचा बच्चे ने बताया, हमने डांटा, दिस इज माई डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश, उसने बताना बंद कर दिया, मतलब वो सीख गया, समझ गया, उसने करना बंद कर दिया। एंड वी वर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ व्हाट आर चिल्ड्रन आर डूइंग। सिगरेट पीना गलत है, यस? क्या हुआ, गलत नहीं है क्या? मेरे को लगा कोई गलत, आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। सिगरेट पीना गलत है? यस। 13, 14, 15 साल की उम्र में जब मेरे आसपास सब लोग वो ही कर रहे हैं, एंड जब मेरी भी एक एक्सपेरिमेंटेशन की एज चल रही है, तो ऐसा करने का मन करना ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है या सही है? प्लीज चूज वन आंसर। सिगरेट गलत है, सिगरेट पीना हानिकारक है, मालूम है, उसको भी मालूम है,
लेकिन ऐसे समय पर व्हेन आई एम गोइंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एवरीवन अराउंड अस इज डूइंग इट, ऐसे करने का मन करना, इज दैट स्वाभाविक? छोड़ो, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? सिगरेट इज रॉन्ग. डू यू एवर हैव फेल्ट कि ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं, इसके पास ये मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये करियर में आगे जा रहा है तो मैं भी जाऊं? वन मिनट, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? दैट्स ऑल. इज इट नेचुरल टू फील लाइक दैट? यस, इट्स इक्वली नेचुरल फॉर हिम ऑल्सो टू फील लाइक दैट. डिड वी टेल हिम कि ये नेचुरल है? नो. हमने सिर्फ क्या कहा? गलत. और हमने किसको गलत कह दिया? हमने किसको गलत कह दिया? बच्चे को गलत कह दिया. लेकिन अभी तो हम कह रहे हैं कि बच्चा जो फील कर रहा था वो तो गलत नहीं था ना. दोनों चीजों में कितना दिन और रात का अंतर है. डिड वी सिट विद द चाइल्ड एंड से वॉन्टिंग टू डू दिस, फीलिंग लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, स्पेशली वन एवरी वन अराउंड इज डूइंग इट, ऐसा करने का मन करना, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड यू विल फील लाइक दिस, बट बच्चा दिस थिंग इज रॉन्ग. यू आर परफेक्टली राइट, लेकिन यू आर टोटली रॉन्ग. कितना फर्क है?